आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोंगेनियो यूनिवर्सिटी का लॉगिन पासवर्ड आप कैसे चेंज करेंगे। अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको कैसे चेंज करना है, ओके, नया पासवर्ड आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है मोंगेनियो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। ओके, आप अगर फॉर्म भरना नहीं जानते हैं तो यूजी जैसे कि जनरल कोर्स है, यूजी वोकेशनल कोर्स है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो दो पार्ट में वीडियो है, पार्ट वन एंड पार्ट टू, तो आप दोनों वीडियो को देख के जो है आप आसानी से जो है मंगल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं यूजी कोर्स के लिए। ओके, चलिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड पता है तो सिंपली आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आई एम नॉट प्रॉपर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें वेट करना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर इंटर एप्लीकेशन नंबर आपको इंटर करना है जो कि आपके मोबाइल मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुआ हुआ। ओके, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है और यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं योर पासवर्ड सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर प्राप्त हो गया होगा, तो उसी पासवर्ड की मदद से आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते थे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मोगेनियो विश्वविद्यालय में जो है लॉग इन पासवर्ड जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत तो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लाइक और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।